प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा किस प्रकार का आपका पेपर आएगा और किस प्रकार से आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर किस प्रकार का आना है और आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर होने वाला है जो कि कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलेगा, हम इनके उत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपसे 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो चलेगा वन बाई वन करके इसके आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, चार्टर पार्टी है। तो देखिए चार्टर पार्टी क्या है, एक अनुबंध है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं। तो देखिएगा लघु और कुटीर उद्योग किस पर निर्भर करते हैं, स्थानीय संसाधनों पर ये निर्भर करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है। तो देखिएगा व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व किस प्रकार का दायित्व है, करों का भुगतान। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना, तीसरे का उत्तर लगा लेना, दा नंबर का। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न देखते हैं, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि ई कॉमर्स कब आया। तो देखिएगा ई कॉमर्स आया था 1970 में। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बैंक का कार्य नहीं है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें से ये बताना है कि निम्नलिखित में से बैंक का कार्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है, वस्तुओं का व्यापार ये जो है बैंक का कार्य नहीं है। तो पाँचवें का उत्तर क्या आ जाएगा, आ नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के असंगठन संगठन रूप है। तो देखिएगा छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ये सभी, यानी कि विभागीय संगठन, सरकारी कंपनी, लोक निगम और ये सभी। तो देखिएगा छठे का उत्तर क्या होगा, द नंबर का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी को अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। आज हम पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जाए, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी को अपने पेपर की तैयारी पूरी कर लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में देखिएगा, अभी तक हम यहाँ तक का पेपर देख चुके हैं, अब चलेगा, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो आप लोग, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहां से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो चलेगा, आप रिक्त स्थान पूर्ति को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, थोक व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या लिख लेना, अधिक। तो इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों, अधिक आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर लाभांश देना चाहिए। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इस जगह पर आपको भर लेना है, लाभांश। उसके बाद में ये क्वेश्चन लिखा है तीसरे नंबर का, समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के हैं, क्या होते हैं, पूरक। तो इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरक लिख लेना है। उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि ये लिखा है चौथे नंबर का, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिख लेना है, ई कॉमर्स। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बीमा का मूल आधार क्या होता है, सहयोग। उसके बाद में छठा प्रश्न, एकाकी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी लोगों को प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आप सभी को इनका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सातवें प्रश्न ये दिया गया, आप सभी को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। सातवें प्रश्न में लिखा है, लाभ का प्रतिफल है। तो देखिएगा लाभ किसका प्रतिफल है, व्यावसायिक जोखिम का प्रतिफल है लाभ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी
जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको करना है, अब चलिएगा समझते हैं। तो देखिएगा जोड़ी मिलान में पहला प्रश्न दिया गया है निर्यात संवर्धन। तो देखिएगा निर्यात संवर्धन की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, निर्यात प्रक्षेत्रों की स्थापना। तो देखिएगा पहले की जोड़ी का मिलान रा से हो जाएगा। दूसरे को देखते हैं अधिकार हस्तांतरण। तो देखिएगा अधिकार हस्तांतरण की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, फ्रेंचाइज से। तो देखिएगा दूसरी की जोड़ी का मिलान आपको दा से कर लेना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं कुटीर उद्योग। तो देखिएगा कुटीर उद्योग की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, घर से संचालित होते हैं। कुटीर उद्योग कहाँ से संचालित होते हैं, घर से। इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना आप सभी को। उसके बाद में चौथा प्रश्न ऋण पत्र। तो देखिएगा ऋण पत्र की जोड़ी का मिलान हो जाएगा निश्चित प्रतिफल से। उसके बाद में पांचवा प्रश्न लिखित संदेश। तो देखिएगा लिखित संदेश की जोड़ी का मिलान हो जाएगा फैक्स से। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों छठा प्रश्न पढ़ते हैं पंजीयन ऐच्छिक। तो देखिएगा किस में पंजीयन ऐच्छिक होता है, तो देखिएगा साझेदारी फर्म में पंजीयन ऐच्छिक होता है। तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी का मिलान कैसे पूरा कंप्लीट करना है, ये मैंने यहाँ से आपको आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार से आप सभी लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन के बाद में चार की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार में आपसे क्या पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे देना आपको, पहला प्रश्न पढ़ते हैं थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं। तो देखिएगा थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं, फुटकर व्यापारी को। उसके बाद में दूसरा प्रश्न लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है, तो देखिएगा ये होगी 5 करोड़। उसके बाद में ऋण पत्र धारियों का प्रतिफल क्या है, तो देखिएगा इसको कहते हैं ब्याज। उसके बाद में अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं। तो देखिएगा साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग पढ़ लेंगे इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा कंपनी के अंशधारी कंपनी के क्या कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। उसके बाद में छठा प्रश्न परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है, तो देखिएगा परिवहन उद्योग तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में सातवा प्रश्न मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है, तो देखिएगा यह आता है निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सभी लोगों को इनको देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर पाँच में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य वगैरह को इनको देख लें और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको, पहला प्रश्न क्या लिखा है, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती है। तो देखिएगा कैसी वस्तुएं बेची जाती है, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न कुटीर उद्योग अंशकालिक रोजगार प्रदान करता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है, तो ये भी आपका सत्य होगा। ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बीमा एक अनुबंध नहीं है, तो देखिएगा ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सभी को अपने पेपर का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपके पेपर के सभी बता दिए हैं। इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, 8 ये लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, 10 ये लिखा है, 11 ये लिखा गया है, 12 ये लिखा है। उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा है, 14, 15, 16 इन सभी प्रश्नों को आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपका पेपर बता दिया है। आप लोग यहाँ से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।